आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे या कोस्ट गार्ड का आखिरी प्रोसीजर होता है मेडिकल। मेडिकल में ग्रीन कार्ड मिला मतलब नौकरी पक्की। तो आइए जानते हैं कि इन सब के मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। सबसे पहले नंबर पे आता है ब्लड टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड टेस्ट के जरिए आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन, ब्लड इम्प्योरिटीज या ब्लड बॉर्न डिजीज के बारे में पता चलता है। अगर डॉक्टर्स को ब्लड सैंपल में डाउट होता है तो आपको वापस से री मेडिकल के लिए भेजा जाता है। दूसरे नंबर पे आता है डेंटल एग्जामिनेशन, जहां दांतों और मसूरों की चेकिंग होती है। बेसिकली इसमें पास होने के लिए सबको 14 डेंटल पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जो उतना मुश्किल नहीं होता। हाँ, सिलेक्शन के वक्त कौन सी बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये आप डेंटिस्ट से खुद सुन लीजिए। बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेंटल कैरीज नहीं होना चाहिए, दांतों में कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दांतों में पैरिया नहीं होना चाहिए। मसूड़े अगर कमज़ोर हैं, डिजीज है गम्स की, तो वो भी काउंट करी जाएगी। ठीक है, माल अक्लूजन एक पोजिशन होती है जिसमें दांत टेढ़े मेढ़े इतने ज़्यादा होते हैं कि आपस में दांतों का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होता, दांत सही से एक दूसरे पर मिलते नहीं हैं, वो भी कंसीडर करा जाता है। एक और चीज़ जो मेडिकल एग्जाम में मायने रखती है वो होती है हाथों से पसीने आने की बीमारी, जिसे बायोलॉजिकल टर्म्स में हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। अमूमन गर्मी में सबके हाथों से स्वेटिंग होती है, लेकिन अगर ठंडी में भी ऐसा होता है और गर्मी में भी किसी के हाथों से ज़्यादा पसीना निकलता है तो ये मेडिकल टर्म्स में रेड एंटी का कारण बन सकता है। और अब बात करते हैं उस क्राइटेरिया की जिसके कारण सबसे ज़्यादा लोग रिजेक्ट होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोक नी की, जिसे मेडिकल टर्म्स में जेन्यू वेलगम कहते हैं। जब आपके घुटने एक दूसरे से चिपके रहते हैं उसे नोक नी कहते हैं, जिसे मेडिकल ग्राउंड पर वैलिड नहीं माना जाता। हालांकि काफ़ी लोग इसको लेकर काफ़ी चीज़ें ट्राई करते हैं, जैसे सोते वक्त घुटनों के बीच तकिया लेकर सोना जिससे थोड़ा गैप क्रिएट हो सके, या अन्य चीज़ें। आप अगर कुछ ट्राई करते हैं इस बारे में तो ज़रूर हमें बताएं। पांचवी चीज़ जो मेडिकल टेस्ट में बहुत अहमियत रखती है और डॉक्टर्स इसे काफ़ी ऑब्जर्व करते हैं, वो होती है फ्लैट फुट। मतलब आपके पैर का तलवा फ्लैट है या कर्व वाला। आप पानी में पैर डालकर घर पर ये वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दरअसल फ्लैट फुट वाले लोग मेडिकल ग्राउंड में अनफिट बताए जाते हैं, लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि फ्लैट फुट कभी क्योर है। आप ज़्यादा से ज़्यादा नंगे पैर चलें, घासों पर नंगे पैर चलें, चप्पल ज़्यादा घर के अंदर इस्तेमाल ना करें, तो इससे कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। उसके बाद आपकी आंखें जांची जाती हैं, यानी एक आई टेस्ट होता है जिसमें एक अल्फ़ाबेट वाला बोर्ड रखकर 6 फीट की दूरी से आपको अल्फ़ाबेट रिसाइट करवाया जाता है। अमूमन आंखों की विजन 6x6 होनी चाहिए, लेकिन अगर 6x12 है तो आपके चश्मे की पावर प्लस और माइनस 5.5 डायोप्टर्स के आसपास होनी चाहिए। ये एयरफोर्स के स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन कहती है। आर्मी और नेवी में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। मेडिकल के वक्त यूरिन टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन, बिलिरुबिन, नाइट्रेट्स और तमाम सब्सटेंसेस के कंपोजिशन देखे जाते हैं और मेनली पीएच चेक किया जाता है। यूरिन के कलर से पीएच को मैच किया जाता है और रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं। इसमें वाटर कंटेंट्स और तमाम चीज़ें जांची जाती हैं। मेडिकल टेस्ट में कैंडिडेट्स का एक्सरे और ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी होता है। इससे ये पता चलता है कि आपके बॉडी में पहले सर्जरीज हुई हैं या नहीं और कहीं आपको कोई इंटरनल इंजरीज तो नहीं जो आप छिपाना चाहते हैं, आपके बोन्स डिसफंक्शनल तो नहीं हैं, ये सारी चीज़ें भी चेक की जाती हैं। इसके बाद आपके कानों को भी एग्जामिन किया जाता है। मेडिकल टेस्ट में ये भी चेक किया जाता है कि कहीं आपको सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने मेडिकल एग्जाम से पहले ही अपना फुल बॉडी मेडिकल चेकअप करवा लें और ईयर के वैक्स पहले से ही साफ करवा लें। रही बात हाइट की, तो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट 152.5 सेंटीमीटर होती है। हालांकि आसाम राइफल्स, गोरखा रेजिमेंट और कई रिक्रूटमेंट में ये कम ज़्यादा हो सकता है। दूसरी ओर वेट हाइट के अकॉर्डिंग लिया जाता है। ये फिक्स्ड नहीं रहता कि 60 kg या 70 kg या 55 kg होना चाहिए। दूसरी ओर चेस्ट मिनिमम 75 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड होता है, जिसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए होता है क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए गली न्यूज़ के साथ।